हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से फिर से नया रिक्रूटमेंट लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट में अभी ओपन कर चुका हूँ। यहाँ पे क्लियरली दिया जा रहा है, आज ही कल ही अपडेट आया है जहाँ पे क्लियरली बताया है नोटिस फॉर द फेज 9 सिलेक्शन पोस्ट। तो इसमें आप लोगों को ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। तो चलिए देख लेते एक एक करके आप लोगों को वो क्या आया है अपडेट, तो उसके बारे में सारे जानकारी देने वाला हूँ। जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हो जल्दी से जाके एप्लीकेशन कर सकते हो। तो चलिए और देरी ना करके नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर चुका हूँ जहाँ पे बिग अपडेट आया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, जहाँ पे 3000 से भी ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे निकल के आया है। इसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा एक एक करके। दोस्तों जैसे कि देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे बता दिया जा रहा है, अगर आप SSC के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हो यहाँ पर 3261 की टोटल वैकेंसीज अवेलेबल हुआ है, जहाँ पर DEO क्लार्क, UDC सब इंस्पेक्टर, जूनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, लैब आर्टिस्ट असिस्टेंट, ऑफिस अटेंडेंट, टेक्निकल ऑपरेटर, स्टोर कीपर, जूनियर इंजीनियर, साइंटिफिक, इस तरह की बहुत सारे जो है पोस्ट यहाँ पे निकल के आया है जहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन शुरू होने वाला है 24 सितंबर जो कि कल से, एंड 25 अक्टूबर 2021 लास्ट डेट रखा है। 28 अक्टूबर के तरफ से जो है ऑनलाइन पेमेंट आपको जो है लास्ट डेट दिया जा रहा है, ऑफलाइन चालान भी 28 अक्टूबर तक चलेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे बता दिया जा रहा है जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो जनवरी और फरवरी के 2022 के आसपास होने वाला है। पोस्ट फेज जो है 9th वैकेंसी डिटेल्स दिया जा रहा है यहाँ पे। टोटल जो पोस्ट है 3261, जनरल के लिए 1366, फेक्सी के लिए 477, ST के लिए 249, OBC के लिए 788, EWS के लिए 381 के टोटल पोस्ट अवेलेबल हुआ है। इसी के साथ साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं, जस्ट आपको क्वालिफिकेशन चाहिए 10th 12th और ग्रेजुएशन पास करके आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस जो है रिटेन एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, मल्टीपल चॉइस जो है क्वेश्चन रहने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं उनके लिए मैं आप लोगों को बताऊँगा, नीचे दिया हुआ लिंक को जाके क्लिक करके एप्लीकेशन कर सकते हो। 100 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते जल्दी से जाके एप्लीकेशन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो को मैं आप लोगों को लेके आऊँगा इसका जो है सिलेबस। तो वीडियो को कैसे लगा जरूर बताएंगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले इस चैनल को। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।